हाय एवरीवन सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ एंड पैनकेक्स इज़ पोएन बाय अशोका मित्र इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं बच्चे जेमेनाय स्टूडियो की फॉर नियरली थर्टी इयर्स फ्रॉम 1940 ये, ये जो जेमेनाई स्टूडियो था ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री का पार्ट था ओके okay, एंड इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं पैनकेक्स की ओके अब पैनकेक्स क्या था पैनकेक एक मेकअप प्रोडक्ट था ओके okay, जो कि वहां के सभी एक्टर एक्ट्रेसेस को ये पैनकेक प्रोडक्ट लगाया जाता था बहुत ही सुंदर चैप्टर है बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अवेलेबल है विच इज अ वन स्टेप सॉल्यूशन फॉर यू ऑल तो जल्दी से करें और इस पीडीएफ पे क्लिक करें तो शुरुआत करते हैं हमारे ऑथर की हम बात करेंगे हमारे अशोका मित्रन की। वो अपना टाइम बताते हैं कि जब वो जमिना स्टूडियो में काम करते थे ना ठीक है तो बेसिकली उन्होंने एक बुक लिखी थी उस बुक का नाम था माई ईयर्स विद बॉस ओके ये बुक उन्होंने लिखी थी किसने लिखी थी हमारे तमिल राइटर अशोका मित्रन ने और उन्होंने इस बुक में जब जो टाइम वो जेमिना स्टूडियो में काम करते थे ना वो टाइम पीरियड उन्होंने इस बुक में डाला है ओके okay, कौन सी बुक बुक में इयर्स विद बॉस ओके ये जो उनकी बुक है ना माई विद बॉस उसमें ना वो बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया सो बेसिकली इफ विल टॉक अबाउट स्टूडियो लोकेटेड इन मद्रास ओके चेन्नई मद्रास ठीक है जो कि कब सेटअप हुआ था 1940 फोर्टी ऑलमोस्ट थर्टी ईयर्स तक बेटा ओके बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का ये पार्ट रहा था ओके okay. इनके जो फाउंडर थे थे वो हमारे एस एस वसंत पे लिखा हुआ है और हमारी ड्यूटी क्या थी अशोक मित्रन की बहुत ही छोटी सी ड्यूटी थी वो न्यूज पेपर को कट करते थे दैट्स इट बहुत ही छोटा काम था उनका ठीक है बहुत लोग उनको बोलते थे कि भाई उनका कोई काम नहीं है लेकिन उनको पूरे जेमिना स्टूडियो के हर एक बा, लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी रहा करती थी मेन्यव टू बी रिटर्न आउट बाई हैं कुछ कुछ को वो लिखते भी थे न्यूज पेपर क्लिपिंग्स को राइट right?

तो शुरुआत करेंगे हमारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पैनकेक क्या था एक मेकअप प्रोडक्ट था ठीक है सो एक ब्रांड नेम था पैनकेक क्या था एक ब्रांड नेम था एक मेकअप मटेरियल था जो कि जेमिनाइज स्टूडियोज़ में यूज होता था और इसके ओवरलोड होकर ट्रक्स आता था पैनकेक्स बट रती अग्निहोत्री में नॉट हैर्ड ऑफ इट ठीक है सो जितने भी हमारी पुरानी पुरानी एक्ट्रेसेस थी उन सभी ने यूज करा होगा लेकिन वो कहते हैं कि हांजी रति अग्निहोत्री ने, ने नहीं यूज करा होगा ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना हमारे जेमेना स्टूडियो का वो ग्राउंड फ्लोर पर नहीं था वो कहाँ था उस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर था जो कि माना जाता है कि वो रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल स्टेबल था राइट डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी और uh, बोला जाता है कि सिटी में और भी बिल्डिंग्स थी और भी जगह थी जो उनका रेजिडेंस माना जाता है सो फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास रॉबर्ट क्लाइव क्या क्या माना जाते थे बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एक उन्होंने शादी करी थी पर सेंट मैरी चर्च में इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास माना जाता है कि उन्होंने शादी भी यहीं पर मद्रास में ही करी थी किसने हमारे रॉबर्ट क्लाइव ने ओके नाउ अब ये जो मेकअप रूम था ना वो ना कैसा लगता था अच्छा आज के जमाने के मेकअप जो हमारा हेयर कटिंग सलोन होते हैं यूनिसेक्स सलोन होते हैं वो क्या होते हैं बहुत ही ज्यादा उधर लाइट्स होती हैं राइट और इतनी ज्यादा लाइट्स होती है हर एक कोने से आप लोगों के ऊपर लाइट्स आ रही होगी राइट एवरीवन तो हमारा जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना वो कोई हेयर कटिंग सैलून से कम नहीं लगता था जो जो सारी जो लाइट्स थी हर एक एंगल से आती थी अराउंड हाफ डजन लार्ज मिरर्स और बहुत बड़े-बड़े मिरर्स -बड़े भी वहां पर मेकअप डिपार्टमेंट में होते थे एंड यू नो दे वर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स सो यू कैन इमेजिन माइजरी ऑफ सब्जेक्टेड टू मेकअप सो बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो इतनी ज्यादा ब्राइट लाइट्स होती थी तो वो लोग जिनका मेकअप किया करते होंगे तो उन लोगों के साथ कितना बुरा बीतता होगा बेसिकली आप ये इमेजिन करो कि इतनी एक्सट्रीम हॉट लाइट्स है राइट right. एकदम गरम गरम लाइट्स उसकी हीट आप लोगों के फेस पे फे पड़ रही है और आपको मेकअप कराया जा रहा है एंड दिस इज अ ह्यूमर राइट मुझे इस बात पर हंसी आ रही है ये सुनकर कि मेकअप डिपार्टमेंट क्या कैसा लग रहा है एक हेयर कटिंग सलोन के जैसा लग रहा है फर्स्ट थिंग ये हुआ सेकेंड चीज ये हुआ कि वहां पर लाइट्स इतनी ज्यादा हीट देती थी कि उन लोगों के पसीने निकल जाते थे राइट right? तो ये भी हमारा एक ह्यूमर हुआ राइट आपको हंसी आएगी सुनकर मेकअप कराने गए हो कि पसीना छुड़वाने गए हो ठीक है और तो और आपको भी आगे बताऊंगी जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना वो वहां पर क्या सबसे पहले उसका हेड कौन था एक बंगाली था ठीक है यू नो हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट जो कि ना स्टूडियो के लिए उनकी बॉडी बहुत ज्वाइंट हो गई थी इसलिए उन्होंने छोड़ दिया उसके बाद कौन आया था बेटा उसके बाद आए थे महान जो कि किस कौन असिस्ट कर रहे थे वो वाज असिस्टेड बाय उनको असिस्ट कर रहे थे धरवार कन्नडी का राइट एवरीवन नाउ और वो कौन थे एक आंध्र से आए थे और एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्निस एंड द यूजुअल लोकल तमिल ये सभी कौन थे ये सभी उस मेकअप डिपार्टमेंट का थे थे जो सभी मेकअप किया करते ठीक है ऑल ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ये सभी हमारा क्या था ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन था लॉन्ग बिफोर ए आई आर ऑन दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग ऑन नेशनल इंटीग्रेशन ओके फाइन नाउ

कि मॉन्स्टर बना देते थे किससे उस पैनकेक्स को ओवरलोड करके किसी के भी फेस पर राइट एंड नंबर ऑफ अदर लोकली मेड और लोक ऑन करते थे उनके फेस पर मतलब बेसिकली अगर आप लोगों ने पुरानी मूवी देखी होगी तो जो एक्टर लोग थे उन लोगों को भी लिपस्टिक लगा देते थे काजल लगा देते थे राइट एवरीवन सो उस टाइम पर क्या था कि अब आ, हमारी इतने कलरफुल वो भी नहीं थी हमारी जो स्क्रीन थी राइट right? तो दूरदर्शन आता था ए आता था और उसमें एक्टर एक्ट्रेसेस को अच्छा दिखाने के लिए इतना ओवरलोड कर देते थे ना मेकअप इतना ज्यादा कर देते थे कि वो लोग मॉन्स्टर लगते थे सिर्फ और सिर्फ टीवी पर अच्छा दिखाने के लिए डेज ऑफ इंडोर शूटिंग हुआ करती थी, और आउटडोर शूट हुआ स्टूडियोज लाइक्स नीडेड गर्ल्स इन अगली और ऐसा लगता था कि मेकअप इसीलिए करा जाता था जिससे उन लोगों को थोड़ा बदसूरत बना सके जिससे कि मूवी में थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे हंसी आ रही है ये आप लोगों को भी आ रही होगी स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टी वोजटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट एक स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टराकी थी तो जो चीफ मेकअप मैन था ना वो सिर्फ मेजर एक्टर एक्ट्रेसेस के ही आ, को ही अगली बनाता था बताओ <laughs> हम लोग मेकअप क्यों करते हैं सुंदर बनने के लिए राइट लेकिन वो क्या कर रहे हैं वो कहते हैं कि अगली बनाने के लिए उनके जो सबसे मेजर हमारे जो मेन चीफ हमारे मेकअप आर्टिस्ट थे वो सिर्फ हमारे एक्टर एक्ट्रेस को ही अगली बनाते थे उनके जो सीनियर असिस्टेंट थे वो सेकंड हीरो हीरोइन का अगली बनाते थे और वो जो जूनियर असिस्टेंट थे वो मेन कॉमेडियन को ऐसे हराकी चलती थी और मेकअप हुआ करता था राइट द प्लेयर्स जो क्राउड का काम करते थे ना ठीक है जो क्राउड में क्राउड शूटिंग हुआ करती थी इसका मतलब कि ढेर सारी भीड़ इकट्ठे जहां पर दिखानी होती थी वो ऑफिस बॉय का काम था मेकअप करने का इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनाई स्टूडियो यू नो वो कह रहे हैं कि जेमिनाई स्टूडियो का भी एक ऑफिस बॉय था राइट ऑन द डेज वेन देयर वॉज अ क्राउड शूटिंग यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिस्स पेंट इन अ जॉइंट वेसल इट ऑन द उड प्लेस बेसिकली एक वेसल में वो क्या करते थे एक वेसल में जो भी उनके हाथ में यू you नो know, कुछ भी पैनकेक प्रोडक्ट पैनकेक ब्रांड जो था वो प्रोडक्ट लेते थे ऐसे अपने उस पर टैप पैट करते थे एंड देन फेस पे पैट कर देते थे आई मीन लाइक बस उनको क्या करना होता था वो बस थोपना होता था मेकअप दैट उनको कुछ ऐसे कंसीलिंग या फिर आज के जमाने में कंसील करते हैं कॉन्ट्र करते हैं कुछ नहीं करते थे बच्चे वो क्या करते थे सिर्फ और सिर्फ थोप देते थे जिससे उनको थोड़ा बदसूरत बना सके राइट right? तो जो आइडिया था ना वो टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फिस ऑफ द फेस तो हमारे जो पोर्स होते हैं ना हमारे फेस के तो वो एक आइडिया था कि उसको क्लोज करना है exactly वो जो ऑफिस बॉय था ना वो एग्जैक्टली exactly कोई लड़का नहीं था वो अपने चालीस के उम्र में था अर्ली फोर्टीज में था ठीक है जो कि यू नो इन द होप ऑफ बिकमिंग एक स्टार एक्टर बनने आया था या फिर टॉप स्क्रीन राइटर बनने आए थे कौन हमारे ऑफिस बॉय हु इन अर्ली फोर्टीज राइट बट ना तो वो कोई लिर राइटर ना तो डायरेक्टर ना स्क्रीन राइटर कोई एक्टर कुछ भी नहीं बन पाए और वो एक बिट ऑफ पोएट भी थे इन डेज आई वर्क इन अ क्यूबिकल टू होल नाउ यहाँ पे आई कौन है यहाँ पे हमारे आई अशोक मित्र है ना वो कहने की मैं क्यूबिकल में बैठा करता था ठीक है जो की फ्रेंच uh, you know, विंडोज थी और यू नो सी मी सिटिंग एट माय डेस्क जब लोग मुझे देखते थे ना कि मैं न्यूज़पेपर फाड़ रहा हूँ दिन रात ठीक है लोग बहुत सोचते थे कि भाई मैं मैं कुछ भी ना के बराबर हूँ मुझे कुछ नहीं आता है बस मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ आई वॉज डूइंग जो बॉस थे SS वसन, वो भी यही सोचा करते थे आई शुड बी would barge into वुड cubicle and deliver क्यूबिकल एंड डिलीवर और जिन जिन को लगता था कि मुझे कोई और एक्सटेंडेड काम मिलना चाहिए तो वो लोग क्या करते थे मेरे क्यूबिकल में आ जाते थे और मेरे को लेक्चर सुनाने लग जाते थे द द बॉय बॉय इन मेकअप डिपार्टमेंट अब ऑफिस ओके ट होनी चाहिए ऑन हाउ ग्रेट लिटररी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट इन डिपार्टमेंट विट ओनली फॉर बाबर्स एंड पोवर्स बेसिकली जो ऑफिस बॉय थे वो यूजली किसके पास अपना सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने आते थे हमारे अशोका मिथ्न के पास आया करते थे और वो बोलते और उन्हीं के पास सारी अपनी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन होती थी वो उन पर निकाल देते थे फॉर क्राउड में जब वो मेरे पास आते थे ना मैं बस प्रे करता था कि यार क्राउड शूटिंग जल्दी से स्टार्ट हो जाए और नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुछ सेम तो तो मैं उससे बच नहीं पाऊंगा राइट ना इन ऑल इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स और जब भी वो सारी बातें बताते थे ना फ्रस्ट्रेटेड थे वो बहुत एक इंसान से और उस इंसान का नाम था सुब्बू ठीक है कोठा मंगलम सुब्बू उनसे वो बहुत ज्यादा इरिटेट होते थे बहुत फ्रस्टेट होते थे क्योंकि सुब्बू थे ना वो कौन थे वो हमारे नंबर टू थे ठीक है जो सुब्बू थे वो हमारे नंबर टू थे नंबर वन हमारे कौन थे एस एस वसन जो कि हमारे बॉस थे और उसके बाद हमारे सुब्बू थे जो कि हमारे फेवरेट बॉय थे किसके हमारे बॉस के भी राइट right? और वो उस इंसान से बहुत ज्यादा इरिटेट होते थे क्यों होते थे बेसिकली भाई वो वैसे तो वो ब्राह्मण थे तो उनका एक्सपोजर था ऐसे सिचुएशन से एंड देन ही वो वेरी ओवर टैलेंटेड उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट था क्या जब ना वो चेयरफुल हमेशा दिखते थे ठीक है इवन आफ्टर हैविंग अ अ हैंड इन फ्लॉप फिल्म यू नो व्हाट ही डज वो क्या करते थे वो ना चाहे कोई भी फ्लॉप फिल्म ही क्यों ना गई हो फिर भी वो बहुत खुश रहते थे बहुत चेयरफुल रहते थे ठीक है एंड ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी हमेशा किसी ना किसी के लिए काम रखते थे ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन खुद काम नहीं करते थे लेकिन वो बहुत ही लॉयल थे ठीक है विच मेड हिज आइडेंटिटी हिमसेल्फ इन प्रिंसिपल कंप्लीटली

हमारे प्रोड्यूसर को नहीं पता कि इसको कैसे डायरेक्ट करना है एंड देन कम्स दी सुब्बू तो वो कहते हैं कि भाई द प्रोड्यूसर वुड से सुब्बू वुड कम आउट विद फोर वेज और इतना बकवास सीन को भी जो सुबू थे ना एकदम यूजलेस सीन को भी वो बहुत क्रिएटिव uh, वे में क्या कर देते थे एक्सप्लेन कर देते थे द फोर वेज ऑफ द रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग गुड बट आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव ठीक है हमारे जो सुब्बू कहते हैं कि यार ये uh, आप ए, इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हो ठीक है दिस कुड बी डन

उनका जो हाउस था परमानेंट रेजिडेंस था बहुत आसपास के लोगों के लिए उनके रिलेशन और क्लोज रिलेशन जो जिनके साथ उनके रिश्तेदारी थी जो उनके क्लोज वंस थे वो उनके लिए परमानेंट रेजिडेंस था वो सभी को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते थे लेकिन ऐसा लगता था इट सीम्ड अगेन सुबूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस

और बहुत एनिमीज उन उनके थे तो ऐसा क्यों था कैसे ऐसा इसीलिए था क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज थे हमारे बॉस के बॉस हमारे एस एस वसन थे और वो इट जनरल डिमिनो दैट रिसेंबल द साइकोपैन और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग या फिर इसीलिए थे कि वो हर एक चीज के बारे में कुछ अच्छी चीजें नई चीजें बोल देते थे सो पीट एनी उनके दुश्मन थे

उनको स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर डाला हुआ है जिसमें एक लॉयर है एंड एन असेंबली और राइटर्स हैं और पोएट्स हैं तो जो लॉयर थे ना उनको ऑफिशियली क्या जाना जाता था लीगल एडवाइजर जाना था जाता था बट एवरीबडी हर कोई उनको क्या बोलता था लीगल एडवाइजर के बिल्कुल ऑपोजिट मानते थे उनको एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस के बारे में हम बात करते हैं इंसिडेंट हो गया था हु ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल ब्लू ओवर ऑन द सेंस थोड़ा गुस्से वाली भी थी तो अपना आपा खोकर यू नो थोड़ा चिल्लाने लग गई थी सेट पर और उन्होंने क्या करा तो जब एक्ट्रेस रुकी ना द लॉयर क्वाइटली लॉयर ने क्या करा लीगल एडवाइजर ने उसने अपने चुपचाप से रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी और बोला कि वन मिनट प्लीज आ, वो रिकॉर्डिंग उसको सुनाई उस एक्ट्रेस ने ये इंडस्ट्री छोड़ दी बेसिकली उनको ऐसा लगा था शी वाज स्ट्रक डम A girl from the countryside, she hadn't gone through all the stages of the worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. She never quite recovered from the terror she felt that day. That was the end of a brief and brilliant acting career, the legal advisor. Legal advisor career. बंद कर दिया था उन्होंने ये इंडस्ट्री छोड़ दी थी बिकॉज शिव शी फेल्ट सो स्टोरी डिपार्टमेंट ओके आप ये सोचेंगे कि जो हमारे लॉयर थे वो एक स्टोरी डिपार्टमेंट के भी क्या थे एक पार्ट थे Had unwittingly brought about that sad end और उस औरत का उस actress का sad end हो गया था ना चाह कर भी but उन्होंने intentionally नहीं चाहता but हो गया था right while every other member of the department wore a kind of uniform usually उस department के ना सभी लोग एक uniform पहनते थे and that uniform was khadi dhuti right uh, with a slightly oversized tailored khadi shirt right shirt होती थी khadi shirt khadi dhuti हुआ करती थी लेकिन जो हमारे legal advisor थे ना वो पैंट्स पहनते थे विद अ टाई एंड समटाइम्स अ कोट ऑफन ही लुक द लोन एंड हो हेल्पलेस हमेशा वो एक अकेलेपन के शिकार लगते थे हेल्पलेस लगते थे अमांड ऑफ अमैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स ऐसा लगता था ड्रीमर्स की दुनिया में ही वॉज अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक राइट अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधी नाइट्स एंड खादी लाइक सो मेनी ऑफ दोज हु क्लोज टू द बॉस

जो हमारे बॉस थे उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट एंड करने के लिए कह दिया था एंड आयरनी देखेंगे आप यहाँ पर कि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ है लेकिन साथ साथ में लीगल एडवाइजर की भी जॉब उसी वजह से चली जाती है सो so, हम बात करते हैं बेटा उन टाइम की डेज जब कांग्रेस रूल का मतलब था प्रोहिबिशन एंड मीटिंग यू नो यू नो मीटिंग ओवर कप ऑफ कॉफी यू नो एंड वो जरा सैटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट एक कॉफी के लिए मिलना एक सैटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट ज्यादा हुआ करता था एंड यू नो द कपल ऑफ क्लर्क एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज रेडिएट करते थे लीज ओके और फोर पोएट्री बट मोस्ट ऑफ देम वहां पर खादी पहना करते थे और गांधी जी को वॉशिप करा करते थे बट उसके भी आगे दे हर नॉट द फेंटेस्ट अप्रिसिएशन पोलिटिकल थानी काइंड कोई पोलिटिकल थाट वहां पर किसी के लिए नहीं था बट कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं था लेकिन फिर भी वो लोग क्या करते थे खादी पहनते थे ठीक है और शर्ट खादी शर्ट खादी धोती पहनते थे बट दे हैड नो पॉलिटिकल व्यू सो बेसिकली कम्युनिस्ट क्या होता है कम्युनिस्ट गॉडलेस मैन ठीक है और यू नो उनका कोई भी कॉन्जुगल लव नहीं होता है राइट right?

हमारे जो थे, उनको ऐसा लगता था कम्युनिस्ट राइट एवरी पर किसी के बीच में भेदभाव नहीं होता है तो जब Frank के moral army आए थी ना, टू हंड्रेड स्ट्रॉन्ग पीपल विजिटेड मद्रास में अराउंड हैव फाउंड होस्ट इन इंडिया देन जेमिना स्टूडियो ने उनको वेलकम करा. सम वन कॉल द ग्रुप एंड इंटरनेशनल सर्कस को इंटरनेशनल सर्कस बोला था वेरी गुड एनिमल्स राइट बट दू प्ले प्रेजेंट करे थे एक वेरी प्रोफेशनल मैनर में uh, पहला तो था जोथम वेल वैली एंड सेकेंड था दिन फैक्टर यू नो जो बहुत ही मद्रास के सेवरल शोस में चला था

सनराइज और सनसेट का सीन भी कॉपी कर लिया था ठीक है जैसा कि उन्होंने जोथम वैली में दिखाया था राइट एवरी वन वाइट बैकग्राउंड कर्टन एंड ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट इट वर्स लेटर दर्व दर ए तो हमारा कौन कह रहे हैं यहाँ पर हमारे अशोका मित्रन कह रहे हैं हमारे अशोका मित्रन ये कह रहे हैं कि उनको कुछ सालों बाद पता चला था कि एम जो था ना

you know case tha indeed what the case was the just staff the gemini studio ka they had a nice time hosting these two plays right everyone and uh, of all the hues and size of the last 20 uh, national lights it was such a change thoda change aaya tha from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick ओके okay, तो वो थोड़ा यूजुअल से जो बेसिक बोरिंग मोनोटनस लाइफ हो गई थी हमारी स्टूडियो uh, में कि क्राउड शूटिंग में बस उनके थोपते थे स्लैप कर देते थे उनके ऊपर मेकअप तो उससे थोड़ा चेंज हुआ था एंड इन द मेकअप डिपार्टमेंट बेसिकली ये पढ़ लिया है हमने अ फ्यू मंथ्स लेटर द टेलीफोन लाइन ऑफ द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास बस्ट कुछ महीनों बाद द टेलीफोन लाइन्स ऑफ बिग बॉसेज ऑफ मद्रास फिर से बचती है कुछ फिर कोई आता है ठीक है एंड वो एट जेमिनाइ स्टूडियो क्लियर द होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर अब हमने जेमिनाइ स्टूडियो में अब एक और विजिटर को बुलाया ठीक है ऑल दिस सेट वाज दैट उन्होंने बस ये बोला कि वो एक पोएट थे इंग्लैंड से थे ठीक है द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जेमिना स्टाफ न्यू यही पता था उनको उन्होंने तो सिर्फ इंग्लैंड पोएट्स में वर्ड फॉर था और किसी के बारे में उनको पता नहीं था द मोर लिटरेट वंस न्यू और जो और भी पढ़े लिखे थे उनको कीट्स के बारे में पता था शैले के बारे में पता था बायरन के बारे में पता था एंड वन और टू माइट हाफ फिंटली कम टू नो समन ओके और किसी को इससे भी ज्यादा पता होगा राइट right? अब हमें नहीं पता था बेसिकली जेमिना स्टूडियो में कि कौन सा पोएट अब जेमिना स्टूडियो में आने वाला था वो एक पोएट तो नहीं थे वो ना ही एक एडिटर थे इसी वजह से द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन इसी वजह से उनको एक बिग रिसेप्शन दे रहे हैं वसन वॉज ऑल्सो जो थे वो एडिटर थे तमिल वीकली के आनंदा विकातन right now he wasn't the editor of any of the known names of british publications in madras madras kisi bhi british publications ke wo koi editor naithe that is those known at the gemini Studios. since the top men of the hindu were talking the initiative were taking the initiative the sunrise was that the poet was the editor of the daily but not from the manchester garden or the london Times. that was all that even the most well-informed among us knew so basically वो बताना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ के थ्रू कि भाई कि को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहां से आ रहे थे वो कौन थे कुछ आइडिया नहीं था किसी को भी ओके एट लास्ट अराउंड फोर इन द आफ्टरनून शाम के चार बजे जो पोएट थे और एडिटर थे जो भी थे वो आ गए थे बहुत ही टॉल थे बहुत ही इंग्लिश मैन थे बहुत ही सीरियस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी एंड ऑफ कोर्स वो वेरी अननोन टू और हम में से कोई उनको नहीं जानता था बैटलिंग विद हाफ अ डजन पेडिस्टल फैंस ऑफ द शूटिंग स्टेज द बॉस

उनका जो एक्सेंट था वो किसी को समझ नहीं आ रहा था द होल थिंग राउंड यू नो आधे घंटे तक चलती रही और वो पोएट चले गए और हम सब सोचते रह गए कि क्या बोल के गया है वो वट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म फॉर द सॉर्ट ऑफ पीपल कि बेसिकली कर क्या रहे हैं ये 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 जो पोएट है इंग्लिश पोएट है यहाँ पे क्या करना है पीपल

डेमोक्रेसी जैसे वर्ड्स उनको समझ आए थे अदरवाइज उससे ज्यादा उनको कुछ समझ नहीं आया वहां के लोगों को जमेनाई स्टूडियो के और आज तक वो कहते हैं कि बेसिकली वो एक रहस्य बन गया था कि वो आदमी कौन था पोएट था एडिटर था कहां का का बंदा था कहां था रहने वाला किसी को तो वर्ल्ड नहीं करेंगे लेकिन जो मेरा कन्विक्शन है वो स्ट्रांग होता है दिन पर दिन की जो प्रोज राइटिंग है ना वो नॉट बी दू पर जीनियस राइट एवरीवन सो नाउ लेट्स इट वो लिए थी इट वॉज फॉर सच पीपल दैट दिंदू है अ टाइनी अनाउंसमेंट ठीक है वो बात कर रहे हैं कि एक हिंदू द हिंदू न्यूज़पेपर ने पब्लिश करी थी एक छोटी सी अनाउंसमेंट कि एक छोटे से कॉर्नर में एक अनइंपॉर्टेंट पेज पर अ शॉर्ट स्टोरी कांटेस्ट कि शॉर्ट स्टोरी कांटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ब्रिटिश पीरियोडिकल और किस नेम से प्रया कर रहे हैं द एनकाउंटर तो ऑफ कोर्स जो एनकाउंटर था इट वाजंट अ नोन कमोडिटी अब वो जिमिना uh, लिटरेटी मैं नहीं जानते थे इट right? तो इस आइडिया में घुसना जाता था बेसिकली so मैं इसके बारे में जानना चाहता था द एनकाउंटर के बारे में जिससे पहले कि मैं अपना पूरा यू you नो know, कोई भी शॉर्ट स्टोरी कोई भी भेज कर इंग्लैंड और पैसा लगाऊं तो इससे पहले बेटर था कि मैं इस पीरियडिकल के बारे में पढ़ू और समझू

उनका बस एड्रेस लिख लिया आई फेल दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम कि वो भी सेम सॉन्ग सेम टाइम पर गाएंगे बेसिकली लॉन्ग लॉस ब्रदर्स इंडियन के डिस्कवर कर रहे हैं एक दूसरे को बाई सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म स्टेफन स्पेंडर स्टीफन दैट वॉज हिस्ट नेम और उनका नाम क्या था स्टीफन स्पेंडर सालों बाद विनायकोस जब मैं जेमिना स्टूडियो से बाहर निकल गया था And I had much time, जब बहुत था, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं था एनी थिंग एट अ रिड्यूस प्राइस मुझे कम पैसों में सब कुछ भी अट्रैक्ट कर जाता था ऑन द फुटपाथ इन पोस्ट ऑफिस माउंट मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के फुटपाथ पर देर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फिफ्टी पैसे की एक मिल रही थी एक्चुअली देवर कॉपीज वो कॉपीज थी उसी सेम बुक की एंड एलिग इन पेपर बैग ऑफ अमेरिकन ऑरिजिन स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन निकला हुआ था इन कनेक्शन विद द 50थ एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन वो 50थ रशियन रेवोल्यूशन की एनिवर्सरी पर वो पैसे जो एडिशन था वो बहुत ही सस्ता हो रखा था मैंने 50 पैसे दिया और एक कॉपी ले ली उस बुक की जिसका बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड और उसमें सिक्स एमिनेंट मेन थे जिन्होंने उसमें सेपरेट एसेज़ लिखे हुए थे और उनका ऐसे क्या था देयर जर्नीज इन टू कम्युनिज्म एंड देर डिसल्यूजन रिटर्न एंड्रेगिड रिचर्ड राइट इग्नाजियो सिलोन अर्थर कोस्टलर लुई फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर एंड देन व्हेन ही रेड स्टीफन स्पेंडर सडनली द बुक एज्यूम्ड यू नो सिग्निफिकेंट ऑफ मोर इंपॉर्टेंस स्टीफन स्पेंडर द पोएट जिन्होंने विजिट करा था जेमिनाई स्टूडियो में एंड इन अ मोमेंट आई फेल्ट

राइट right? तो वो ये बात कर रहे हैं कि हमारे जो इंग्लिश मैन जो आए थे वहां पर वो क्यों आए थे वो यहां लोगों के यू नो कम्युनिज्म के बारे में देखने आए थे और उस उन लोगों का डिसल्यूजन गॉड के बारे में बेसिकली किसके बारे में डिसल्यूजन रिटर्न के बारे में क्या उनका एक्सपीरियंस रहा वो उन्होंने जमिना स्टूडियो में एक्सपीरियंस करा और वो उन्होंने वही एक्सपीरियंस उस बुक में द गॉड दैट फेल्ड में उन्होंने लिख दिया था राइट तो वो मिस्ट्री जो बाकी सभी लोगों के लिए जो जेमिना स्टूडियो में रही थी अब हमारे अशोका मित्रन के लिए इतने सालों बाद वो मिस्ट्री अनएक्सप्लेन मिस्ट्री नहीं रही थी उनको तो बाय चांस ये अनएक्सप्लेन मिस्ट्री उनके लिए रिजोल्व हो गई थी राइट कि वो आदमी कौन था आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा पोइजन पैनकेक्स इज ऑल अबाउट दू नो हाउ इन्फ्लुएंशियल Uh, उस टाइम पर ये जो फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन था ये इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट था जहां पर ऑलमोस्ट यू नो शूटिंग जो होती थी टू इनडोर शूटिंग हुआ करती थी उस टाइम पर और फाइव टू टेन परसेंट हमारी आउटसाइड शूटिंग हुआ करती थी आउटडोर राइट right? और कैसे पैनकेक्स को यूज करा गया तो इस चैप्टर में ना ह्यूमर का भी इस्तेमाल किया गया है कैसे क्योंकि जिस तरीके से हम अशोका मित्र ने एक्सप्लेन करा है कि कैसे क्राउड शूटिंग पर लोगों के मुंह पर थोप दिया जाता था कैसे एक्टर एक्ट्रेसेस को भूत बना दिया जाता था अगली बना दिया जाता था बदसूरत बना दिया जाता था एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वो जो uh, हमारे मेकअप डिपार्टमेंट था ठीक है वो यूनिसेक्स यूनिसेक सलोन या फिर हेयर सलोन जैसे लगता था इतना हीट आता था कि लोगों को पसीने आते थे तो और उनका मेकअप इतना भद्दा लगता था जस्ट टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ दी यू नो कैमरा दैट्स आई होप ये चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो जैसे कि इंटरेस्टिंग ये पैनकेक ब्रांड था तो चलते हैं बाय बाय टेक केयर अपना ध्यान रखिएगा